कैनेडा स्टडी वीज़ा की गल करते हैं तो सवाल ढेर सारे जिहड़े रिसेशन नूं लैके ने अज उसका तुहानूं सही जवाब देन जा रहे हैं इस वीडियो के जरिए क्योंकि स्टूडेंट कन्फ्यूज़ है किहड़ी जगह असीं अप्लाई करिए जिथे काम नूं लैके तंगी ना होवे और प्लस जिथे हुण आपां रिसेशन दे बारे अपडेट भी स्टूडेंट जरूर जानना चाहुंदा है वो अपडेट भी अज दी वीडियो जरूर तुहानूं मिलेगा और दूसरा जिहड़े स्टूडेंट ने हले अप्लाई नहीं किया है किन्नी जल्दी तुहानूं अपना जिहड़ा है अपना सारा प्रोसैस कंप्लीट कर लेना चाहिए और हुण दे समें दे विच किन्ने कु पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे ने अपने असीं पंजाब दे स्टूडेंट्स की गल करिए हरियाणा दे स्टूडेंट्स की गल करिए ओवरऑल किस तरह के रिजल्ट ने इसकी भी इनफॉर्मेशन जरूर सांझी करांगे। स्वागत है जी सारिआं दा, मैं हाँ हरजोत कौर और एक खास गल्लां तुहाडे नाल सांझीआं करनगे क्रिएटिव फ्यूचर कंसल्टेंसी तो वीज़ा एक्सपर्ट गुरप्रीत कौर जी साढ़े नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, थैंक यू। सो गुरप्रीत जी, पहले तो जरूर दसो कैनेडा स्टडी वीज़ा की गल कर रहे हैं, रिजल्ट किन्ने कु पॉजिटिव देखे जा रहे हैं? बहुत अच्छे रिजल्ट्स ने हरजोत जी, इस टाइम बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे ने बच्चों के, बट नाल दी नाल किते ना किते जदों गल आ गई है इस टाइम थोड़ा जिहा प्रोसैस जिहड़ा उह स्लो होया है। तो प्रोसैस स्लो होण दा रीज़न है कि साढ़े पीएम जी ने इत्थों कह दिता है कि डिप्लोमेट्स अपने जिहड़े 62 ने उन्हां नूं कट करके 42 किया जाए क्योंकि साढ़े इंडियन डिप्लोमेट्स भी 42 ही कैनेडा च बैठे ने। तो वह रीज़न हो सकता है किते ना कितने प्रोसैस स्लो होने का, इस करके ही शुरू तो असी बच्चों समझाते आ रहे हैं कि इनटेक तो समा रेंदे अप्लाई कर लो, पहला अप्लाई कर लो, डिले ना करो। तो हूँ मैं खास मैसेज जिहड़े नॉन SDS कैटागरी वाले बच्चे है, चलो SDS कैटागरी वाले बच्चे तो अप्लाई कर ही टाइमली, बट नॉन SDS कैटागरी वाले साढ़े बच्चे है जिहड़े रिफ्यूज़ हो चुके आ, दो ओवरऑल 5.5 आ जां PT स्कोर 55 आ जां 50 आ, नॉन SDS वाले बच्चों के लिए मैं खास मैसेज दूंगी बच्चे टाइमला अप्लाई कर लो। कभी भी नॉन SDS कैटागरी मैं पिछे नहीं रखा, जिन्ना मैं SDS कैटागरी प्रमोट किया नाल ही उन्ना मैं नॉन SDS कैटागरी भी नाल लेके चली हाँ क्योंकि जिते इंटैलीजेंट स्टूडेंट साढ़े लिए इंपॉर्टेंट रखता उत्थे नाल दे नाल एवरेज स्टूडेंट भी साढ़े लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्ना बच्चों मैं खास इस टाइम दस समझाने की कोशिश करना चाहनी हाँ कि क्राइटेरिया देखो कितने मैच करता, एडमिशन पुट ऑन करो, SDS कैटागरी फॉलो करते हुए नॉन SDS कैटागरी असं फाइल लावे, बट डिप्लोमेट्स घट होने की वजह नाल SDS कैसा कैटागरी ज़्यादा प्रेफरेंस ना दिती जाए, ये ना हो कि साढ़े नॉन SDS के रिजल्ट जोड़े स्लो होन। इस करके नॉन SDS कैटागरी वाले बच्चे खास इस टाइम उन्होंने मैसेज आ कि टाइमली अप्लाई करो क्योंकि अंबैसी के जिहड़ा लैस स्टाफ होने की वजह नाल किते ना किते जिहड़े रिजल्ट्स ने जिहड़े ये साढ़े कोल आ रहे ने वो स्लो हो सकते ने, सिर्फ साइन है हजे उन्होंने डिप्लोमेट्स हटाए आ जां नहीं हटाए, सिर्फ हजे नोटिस होया ये उत्ते, तो वह हटाए आ जां नहीं हटाए हजे ये उत्ते कोई न्यूज़ नहीं है हजे फिलहाल की घड़ी। तो तुहानूं इस टाइम ध्यान रखने की जरूरत है कि असीं टाइमली अप्लाई करिए, डिले ना करिए, बाकी इस चीज़ का कोई वीज़ा सक्सैस रेट के उत्ते जां स्टूडेंट के उत्ते किसी भी तरह का जिहड़ा स्टूडेंट ट्रैवल कर रहा है जां जाना चाहुंदा जां अप्लाई करना चाहुंदा स्टडी वीज़ा ते किसी भी तरह का वो उत्ते इस चीज़ का कोई असर नहीं होगा, बट ये हो सकता है प्रोसैस थोड़ा स्लो हो जाए। जी बिल्कुल, सो इन चीज़ों समझद होया तो स्टूडेंट्स ने भी पता है कि लगातार हर इनटेक लिए कितनी बड़ी गिनती दे विच स्टूडेंट जो है फाइल लगांदे ने, सो तुसी किते पिछे ना रह जाओ, इसलिए टाइमली बार बार असीं ये गल इसलिए कर रहे हैं कि टाइम दे नाल अपना पूरा प्रोसैस शुरू करवाना अज दे समय विच बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। जेकर तुसी डिले तो बचना चाहते हो, जेकर तुसी नहीं चाहते कि तुहाडा रिजल्ट जो है वेटिंग विच ही पिया रहे और तुसी वेट ही करते रहो, तो टाइमली चंगे कंसल्टेंट की सलाह दे नाल तुसी अगे वधो और सही ढंग नाल प्रोसैस कंप्लीट करते हुए तुसी अपना वीज़ा हासिल करो। अगों थोड़ी जी मैं गल करा होर, तो इत्थे जरूर स्टूडेंट्स नूं प्रोविंस वाइज भी थोड़ा तुसी गाइड करो क्योंकि स्टूडेंट्स दे हुण ये भी सवाल ने कि असी केड़ी जगह अप्लाई की प्रोविंस दे नाल फर्क पैंदा है कि असी किसी स्पेसिफिक थां ते अप्लाई करिए उत्थे प्रोसैस जल्दी जो है साडा कंप्लीट हो जाएगा, कि इन्हां चीज़ों का फर्क पैंदा है वो भी प्रोविंस स्टूडेंट जरूर जानना चाहते। देखो हरजोत जी, साफ जी गल है कि ये कंट्री साढ़े स्टूडेंट नूं जिहड़ी इनवाइट कर रहे ने स्टडी वीज़ा ते कितना पिते इन्हां नूं बिजनेस रेवन्यू भी आ रहा है, ते मैन पावर दी जी भी मैं गल करां यंग पापूलेशन मैन पावर इन्हां कंट्रीज़ दे कोल अपनी नहीं हैगी, ते ये दोनों चीज़ां साडे वल्लों उन्हां नूं जिहड़ी है पूरी तरह ग्रोथ दिंदियां ने, पैसा भी जांदा है, बिजनेस रेवन्यू भी जनरेट हुंदा है, ते किते ना किते यंग पापूलेशन मैन पावर भी जनरेट हो रही है साडे कंट्री तो उन्हां नूं। तो ये दोवें चीज़ां देखते हुए वीज़ास दे उत्ते कोई असर नहीं पैन वाला,
बाकी गल रही प्रोविंस की जिहड़ी तुसीं हुणे गल कीती आ, प्रोविंस जिहड़े मर्जी च अपलाई करो पर टाइमली अपलाई करना। प्रोविंस नूं जिहड़ा चूस मैं करन दी सुजैशन दऊंगी उह क्राइटेरिया अकॉर्डिंगली दऊंगी कि तुहाडा क्राइटेरिया कित्थे मैच कर रहा, जिथे तुहाडा क्राइटेरिया मैच कर रहा उत्थे तुसीं अपलाई करो। जे तुहाडे 2 चो 5.5 आ जां ओवरऑल 5.5 आ जां 1 चो 5.5 आ, सानूं कॉलेज सोच समझ के चूस करना चाहिए क्योंकि कल दे दिन पोस्ट स्टडी वर्क परमिट वाला तां कॉलेज आपां चूस कर लिया पर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट तो सानू मिल गया कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट तो बाद असी जेड़ा कोर्स ले गए हैं वो दे रेलेवेंट जॉब कर रहे हैं कि सानू पीआर च हेल्प करूगी। ये चीज़ ना बड़ी सोचन ते समझन वाली आ। बच्चा की करता है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट तो ले लिया उस तो बाद वो लिमिया जिहड़ी उह बाय करता है। लीमिया का खर्चा 35 to 40 lakh बच्चे का जिहड़ा आ जाता टोटल कर करा के बच्चे का स्टडी तो लैके हुण तक 60-70 lakh रुपया जिहड़ा खर्चा आ जाता। ये 60-70 lakh के खर्चे तो बचने के लिए असी नोवा स्कोशिया चूज कर सकते हैं, अल्बर्टा चूज कर सकते हैं, साढ़े को क्यूबिक हैगा, विनीपैग हैगा, होर बड़िया एवं दियाँ स्टेट हैगियाँ, प्रिंस एडवर्ड हैगा, बड़िया स्टेट यहोजियाँ है जिथे असी स्टडी करते करते नाल असी पी आर लै सकते हैं। प्रिंस एडवर्ड और नोवा स्कोशिया दे विच तां असीं 2 साल दे अंदर भावें साडी स्टडी चल रही असीं पी आर नाल एलिजिबल होंने आ, अपलाई कर सकते हैं, लै सकते हैं। तो सब तो इंपोर्टेंट है कि यह जिहड़ा बजट इन्ना बच्चा वधा लैंदा है अपने बजट नूं भी उहदे च रखे कि एक SDS कॉलेज का साडे इत्थे भूत सवार है, असी बार बार SDS कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी हैगियां, नोवा स्कोशिया दे विच बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैगियां जिथे सानू वधिया एडमिशन मिल के एक बजट दे विच सानू यूनिवर्सिटी मिल जूगी। बट कल दे दिन 70 lakh जिहड़े प्रोविंस दे विच असी खर्चिया जाके कि 70 कमाया असी, जे असी 70 कमा के 70 उत्थे खर्चता फिर कोई फायदा नहीं तुहाडे काम करन दा। इस तो चंगा तुसीं रिलैक्स वाली जॉब करके अपनी ईजी लाइफ करो, पी आर जिथे तुहानू ईजीली मिल सके, काम भावें थोड़ा मिले जिहदे तुहाडे लिविंग एक्सपेंस ते जिहड़ा तुसीं खर्चा करके गए ਉਹ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਅਤੇ ਇਹ 70 lakh ਦੇ ਹੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 70 ਕਮਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 70 ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਚੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਥਰੂ SDS ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਬੱਚਾ ਲੀਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਹੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਟਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਿਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਘੱਟ ਪੈਸੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇਅ ਇਸ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਫਿਊਚਰ ਕੰਸਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।